ये अभी हम लोग आज एलएनजेपी के सामने ये एक बैंकेट हॉल में 100 बेड्स चालू कर रहे हैं। डॉक्टर्स फॉर यू एक एनजीओ है जो इसकी जिम्मेदारी ले रही है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस महामारी के दौरान इस तरह से डॉक्टर्स की एनजीओ सामने आ रही हैं। ये 100 बेड्स का बैंकेट हॉल, इस बैंकेट हॉल में 100 बेड्स लगाए गए हैं। हर बेड के साथ ऑक्सीजन है और ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के साथ अटैच रहेगा। एलएनजेपी हॉस्पिटल सड़क के उस पार है, तो जो मॉडरेट पेशेंट्स हैं जिनको आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं है वो इधर रह सकते हैं। अगर जरा सा भी कोई सीरियस होता है तो उसको तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल सड़क के उस पार ले जाया जा सकता है। तो इस तरह के ये आज पहला एक तरह से बैंकेट हॉल शुरू हो रहा है। हमने देखा था कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने लगभग 3000 बेड्स होटल्स के अंदर भी शुरू किए हैं और उन होटल्स को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया था। तो अब मोटे मोटे तौर पे इस वक्त आने वाले समय में क्या होगा ये तो कह नहीं सकते। इस वक्त बेड सफिशिएंट हैं। जैसे लगभग 13,500 बेड्स अभी दिल्ली में अवेलेबल हैं, उसमें से 6200 बेड्स अभी इस्तेमाल हो रहे हैं। कल मैंने देखा था, कल भी 6200 बेड्स टोटल पूरी दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 6200 बेड कल भी इस्तेमाल हो रहे थे, आज भी 6200 बेड इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई एडिशनल बेड का यूसेज नहीं बढ़ा, जबकि पिछले 24 घंटे में 4000 नए केसेस आए हैं। 4000 नए केस आए हैं लेकिन अस्पतालों में नए बेड की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये कि दिल्ली में जो करोना है वो उतना सीवियर नहीं है। लोगों को करोना हो रहा है, अपने घर में वो ठीक हो रहे हैं और नए बेड की अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और दूसरा ये बताता है कि जितने मरीज बेड्स हॉस्पिटल से ठीक होके जा रहे हैं उतने एंटर कर रहे हैं, तो बेड्स की एक स्टेबिलिटी सी नज़र आ रही है पिछले कुछ दिनों में। और लेकिन हम कोई वो नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अभी ऑलरेडी 13,500 बेड्स का इंतजाम हो चुका है। जैसे आज इस बैंकेट हॉल को हमने शुरू किया, ऐसे कई सारे बैंकेट हॉल्स और पूरी दिल्ली के अंदर शुरू किए जाएंगे और भी कई तरह से बेड्स को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। हाँ जी, दिल्ली सरकार नहीं कह रही, आप भी कह रहे हैं, आप लोगों के भी पत्रकारों के कई फोन आते हैं मेरे पास, आप लोगों के भी कई, आज सुबह से मेरे पास कई लोगों के फोन आए जो बिल्कुल माइल्ड हैं या एसिम्प्टोमेटिक है, उन्हें कुछ भी नहीं है। अब उन्हें प्रशासन अगर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन पकड़ के कोविड सेंटर में ले जाएगा और एक तरह से डिटेन करने वाली बात है 15 दिन के लिए अपने घर में। मान लीजिए आपकी 80 साल की बुजुर्ग माता जी हैं, उनको कोरोना हो गया, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है खास, माइल्ड है। अब उनको अगर आप पकड़ के कोविड सेंटर ले जाएंगे, घर में तो बच्चे अच्छा ख्याल रखते हैं ना माँ बाप का, घर में तो 10 लोग होते हैं ख्याल रखने का, वहाँ कौन ख्याल रखेगा, वहाँ उनके साथ कौन होगा। तो ऐसे ज़बरदस्ती का ये ऑर्डर निकालना जो केंद्र सरकार ने निकाला है ये मुझे लगता है सही नहीं है। जो घर में ठीक हो सकते हैं उनको घर में रहने दो, इतने बेड कहाँ से लाएंगे, और जिनको अस्पताल की ज़रूरत है उनको अस्पताल में ले जाओ। ज़बरदस्ती सब लोगों को ये कहा जाए कि भाई सब लोग, पहले हमने जो व्यवस्था कर रखी थी, अगर आज किसी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी हम उसके घर डॉक्टर भेजते थे, सरकारी डॉक्टर, वो घर जाता था, देखता था भाई आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है कि घर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है आपको अस्पताल भेज देते थे, अगर आपको घर रहने की ज़रूरत है तो पूरी फैमिली को बिठा के डॉक्टर उनको गाइड करता था भाई ऐसे 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 करना है, और अगले दिन से फिर रोज़ उसके पास फ़ोन जाने चालू करते। अब इन्होंने व्यवस्था की है कि केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होगा तो उसको डॉक्टर उसके घर नहीं जाएगा, उसको कोविड सेंटर में आके लाइन में लगना पड़ेगा। अब 103 बुखार वाला आदमी, 102 बुखार वाला आदमी, उसको लाइन में क्यों खड़े कर रहे हो, ये कहाँ की व्यवस्था है। तो हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, सिस्टम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार और सारी संस्थाएं सब मिलके काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार से निवेदन है, उन्होंने जिस भी कारण से निकाला ऑर्डर, हो सकता है कुछ गलतफहमी रही होंगी,
अब उस ऑर्डर को वापस लेंगे। सर 6 जुलाई तक सब टेस्टिंग को लेकर, जो टेस्टिंग फेजी लाने के लिए, उसके बारे में सारी डिटेल्स कल या परसों में स्वास्थ्य मंत्री जी रिव्यू कर रहे हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बताएंगे। ठीक है सर, इसीलिए बुलाया।